हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले आपको कुछ एक चीज़ों का पता होना जरूरी है, तभी आप इसको सोल्व करवाएंगे। इसके अंदर आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ रूट निकालना हमें। इस नेचर ऑफ रूट का क्या मतलब है? रूट का मतलब है आपका एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या निकालनी है आपको? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो रूट से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रूट का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब दूसरा हमने लिख रखा है यहाँ पे नेचर, नेचर का मतलब क्या है? जैसे कि आपने एक्सरसाइज 4.3 तक आपने जो वैल्यूज फाइंड आउट की है एक्स की, वो कुछ इस तरह से थी। किसी के अंदर तो एक्स की वैल्यू जैसे एक आ गई हमारी 13 और दूसरे एक्स की वैल्यू आ गई है 18, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आती है? दो वैल्यू आती है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो एक्स की वैल्यू आई है वो दोनों क्या है? अलग अलग है। तो इसको हम बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। मतलब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? अलग अलग है। रियल का मतलब क्या है? कि ये वैल्यू हमारी क्या है? पॉजिटिव के अंदर हमारे पास ये दोनों वैल्यू आई है। तो हमारे पास कैसा नेचर है यहाँ पे रूट का? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। बताएंगे कैसे बता पाएंगे हम? अगर हमारे पास मान लिया एक्स की वैल्यू आ गई है 13 और दूसरे एक्स की भी वैल्यू आ गई है 13, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ रूट कैसा होगा हमारा? टू इक्वल रियल रूट। जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है वो कैसी आई है? इक्वल आई है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल रियल रूट है ये। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, टू इक्वल रियल रूट है। और एक हमारे पास होता है नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट का क्या मतलब है वो बताते हैं अभी आपको क्या मतलब है। जैसे कि आपने इससे पहले एक एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2a। ये आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसके अंदर आप देखिए बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू, अगर हम b की वैल्यू रखें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, a की वैल्यू रखें, c की वैल्यू रखें, अगर इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, किससे बड़ी आ जाए? वो जीरो से बड़ी आ जाए। मतलब जो हम ये वैल्यू यहाँ पे सोल्व करते हैं, अगर वो वैल्यू जीरो से बड़ी आती है तो उस कंडीशन में हमारा नेचर ऑफ रूट कैसा होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। कैसे रूट होंगे हमारे पास? अलग अलग रूट होंगे और वो क्या होंगे? दोनों रियल होंगे। जैसे कि हमारे इस केस के अंदर डिस्कस किया है 13 और 18 आया है हमारे पास, अलग अलग रूट है और दोनों क्या है हमारे पास? एक्स की वैल्यू अलग अलग है। अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट कैसा रहेगा? टू इक्वल रियल रूट। कैसे रूट्स आएंगे हमारे पास? इक्वल रियल रूट्स। इक्वल रियल रूट का मतलब क्या? जो x की वैल्यू होंगी वो क्या आएंगी हमारे पास? सेम आएंगी। अगर हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। देख लो, अगर ये वैल्यू जीरो आ गई, ये पूरा जीरो हो जाएगा हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? माइनस बी बाई 2a। ये दोनों हमारे x के लिए सेम रहेगी। उसके बाद तीसरा क्या है? अगर हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अगर ये आ जाए हमारे पास लेस देन जीरो, क्या आ जाए हमारे पास? ये लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब ये नेगेटिव में अगर ये वैल्यू आ जाती है तो हम इसको क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। किसकी? एक्स की। विल एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसको सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस 4ac को सोल्व करके देखना है। अगर जीरो से बड़ा आता है तो दो अलग अलग रूट है हमारे पास। अगर जीरो के इक्वल आता है तो दोनों जो रूट है, मतलब दोनों जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी? सेम होगी। अगर हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या है? जीरो से छोटा है। जीरो से छोटे का मतलब क्या है? माइनस के अंदर वैल्यू है, तो हमारे पास एक्स की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जो ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, इसको हम किसके इक्वल मानते हैं? डी के इक्वल मानते हैं। मतलब इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बी स्क्वेयर माइनस 4ac ना लिख के हम इसको क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट डी भी लिख सकते हैं। इस डी का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट।
क्या है ये, डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है, डी के लिए यूज़ किया जाता है। और डी का मतलब ही क्या है आपका, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। और इस डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ क्या है, टू चेक द नेचर ऑफ रूट। अगर हमें रूट्स का नेचर चेक करना है तो हमें किसको चेक करना पड़ेगा, डी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी डी डी। डी की वैल्यू जीरो से बड़ी, डी की वैल्यू जीरो के इक्वल और डी की वैल्यू जीरो से छोटी, तो हमारे पास रूट क्या है, नेचर इस तरह का नेचर होगा। सॉल्व करने से पहले इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट डाल चुके हैं हम, हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, वो वीडियो आप देख लीजिए, फिर आराम से आप इन क्वेश्चंस को समझ में आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा आपको समझ में, लेकिन अगर उसको आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो देखिए इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू एक जैसी है या एक्स की वैल्यू अलग अलग है या एक्स की वैल्यू रियल नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन मिलेंगी, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइव देन, हमें क्या करना है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें उसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए आप, रियल रूट कब एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, जब हमारे पास बी स्केयर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल होगा, चाहे तो जीरो के इक्वल होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। कब एग्जिस्ट करेगा रियल रूट, जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक कर लेते हैं हम। बी देखिए हमारे पास कितना है, यहाँ से बी है हमारे पास माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना हमारे पास, ए है टू, और सी कितना हमारे पास, सी है फाइव। अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो आप ए और बी सी की वैल्यू साइड में लिख लीजिए, ए की वैल्यू कितनी है टू है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री है और सी की वैल्यू कितनी है फाइव है। अभी आपको इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देनी है, बी कितना है माइनस थ्री है, उसका स्क्वेयर रख दिया माइनस फोर रख दिया, ए टू है और सी कितना है फाइव है। सोल्व कर लीजिए, माइनस थ्री का स्क्वेयर का मतलब क्या है नाइन, थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा नाइन, और माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएंगे प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे, फोर टू जा एट, एट फाइव जा कितना हो गया आपका फोर्टी, तो माइनस का थर्टी वन। तो क्या यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपके बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी की वैल्यू चाहे तो जीरो के इक्वल आ जाए या फिर जीरो से बड़ी आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आए तो ही रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आप लिख सकते हो, हेयर द वैल्यू ऑफ डी, डी आपको पता है ये डी है इज नेगेटिव, जो डी की वैल्यू है क्या है, वो नेगेटिव है। सो देयर विल बी नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसलिए यहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना है, रूट का नेचर आपको चेक करना है, और रूट का नेचर चेक करने के लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। अगर वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है तो ही हमारा रियल रूट एग्जिस्ट करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नहीं तो नहीं करेगा। तो हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले यहाँ से चेक कर लीजिए, ए कितना है इस इक्वेशन के अंदर, थ्री है, बी कितना है माइनस फोर रूट थ्री, और सी कितना है यहाँ से, जैसा आप देख पा रहे होगे फोर। अब इसको रख दीजिए, बी स्क्वेयर, बी कितना आपके पास माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वेयर, उसके बाद माइनस फोर, ए कितना है थ्री है, सी कितना है फोर है। सोल्व कीजिए इसको, अब इसका क्या मतलब है, माइनस फोर रूट थ्री इंटू माइनस फोर रूट थ्री स्क्वेयर है ना, क्योंकि यहाँ पे, तो दो बार लिख सकते हैं इसको हम, फोर को फोर से मल्टीप्लाई किया सिक्सटीन, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया रूट थ्री का स्क्वेयर, और माइनस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, सिक्सटीन इंटू थ्री कितना आ जाएगा आपके पास फोर्टी एट। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या है आपके पास, फोर्टी एट माइनस फोर थ्री जो ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर जो फोर्टी एट, तो हमारे पास यहाँ से D की वैल्यू कितनी आई है, जीरो आई है। और पता ही आपको, अगर D की वैल्यू जीरो आए या जीरो से बड़ी आए तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। और इन्होंने बोला अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करना है उनको, मतलब आपको X की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे निकाल के दिखानी है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे, रियल रूट रूट्स विल एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज, क्यों, D इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो D की वैल्यू है, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, वो किसके इक्वल आ गई है, जीरो के इक्वल आ गई है। तो निकालिए यहाँ से,
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डी मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, चाहे तो आप डी लिख दीजिए यहाँ पे, या फिर क्या लिख सकते हो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, डी लिख रही हूँ, क्योंकि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल है, डी के ही इक्वल है, डिवाइड बाई टू ए। जैसा कि आप जानते हो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, जीरो आ गई है, अभी सोल्व किया था ना हमने, d की वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो आ गई है, तो जीरो रख दीजिए। b की वैल्यू देखिए पहले कितनी है, b की वैल्यू है आपकी माइनस फोर रूट थ्री, माइनस ये इस वाला माइनस लगा दिया, और b की वैल्यू क्या है, माइनस फोर रूट थ्री प्लस माइनस रूट डी के आपके पास जीरो, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो, टू इंटू ए, ए देखिए कितना आपके पास ए है थ्री। आगे सोल्व कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको लिख सकते हैं हम फोर रूट थ्री बाय सिक्स, फोर रूट थ्री बाय सिक्स। अब ये कैंसिल हो रहा है टू से, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, तो ये आ गया आपके पास टू रूट थ्री बाय थ्री। यहाँ पे हमने क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया है, जीरो। रूट जीरो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएंगी, वो दोनों एक्स की वैल्यू क्या आएंगी हमारे पास, टू रूट थ्री बाय थ्री, और दूसरी भी क्या होगी, टू रूट थ्री बाय थ्री। मैंने दो सेम वैल्यू क्यों लिखी हैं, क्योंकि जब भी हमारा डी जीरो के इक्वल आता है तो वहाँ पे टू रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और दोनों के दोनों रियल रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आपको देखिए मैथ्स के पीछे ये आंसर नहीं गिवन मिलेगा, आप इसको भी लिख सकते हो, और आंसर कैसे है वो मैं बता देती हूँ आपको, टू रूट थ्री बाय थ्री। अब देखो थ्री को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, अगर इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या आएगा, रूट थ्री का स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, थ्री के इक्वल आ जाएगा। तो क्या हम थ्री को ये लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिखा जा सकता है ना थ्री को, तो एक्स इज इक्वल टू टू रूट थ्री बाय थ्री की जगह मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, ये लिख रही हूँ अभी यहाँ पे रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, टू रूट थ्री, और दो आंसर आएंगे सेम ही आएंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, टू रूट थ्री, टू रूट थ्री। कैसा रूट है हमारे पास, नेचर कैसा है, रियल है, और साथ में क्या है, इक्वल रूट्स, रूट का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू, ये है आपके पास आंसर। थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको डी चेक करना है, जीरो है, जीरो से बड़ा है और जीरो से छोटा है। देख लीजिए पहले डी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। ए लिख लीजिए क्या है इस इक्वेशन के अंदर, टू है, बी कितना है आपके पास, माइनस सिक्स है, और c कितना है यहाँ से, थ्री है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, d इज इक्वल टू b का स्क्वेयर, b कितना आपके पास, माइनस सिक्स, और इसका हमें लेना है स्क्वेयर, माइनस फोर, a कितना हमारे पास यहाँ पे, टू, और c कितना हमारे पास यहाँ पे, थ्री, तो सोल्व कीजिए, माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, प्लस का थर्टी सिक्स, माइनस फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ये कितना आ गया हमारे पास, 36 आ गया था, और ये कितना आ गया, 24। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट किया 2, और 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया 1, तो d की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें करना क्या है, रियल रूट की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। तो कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई टू ए। बी कितना आपका, माइनस सिक्स है, और उससे पहले एक माइनस भी लगा हुआ है, माइनस इंटू माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट डी। डी कितना आया अभी आपके पास, यहाँ से वैल्यू आया आपके पास 12 डिवाइड बाई टू। ए कितना है ढूंढिए, टू, टू लिख दिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स प्लस माइनस रूट ट्वेल्व बाय टू, टू जगह आ जाएगा आपके पास फोर। अब देखिए इस रूट ट्वेल्व को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट फोर इंटू थ्री, इस अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट फोर इंटू रूट थ्री, रूट फोर को अगर आप सोल्व करेंगे तो इसको हम टू लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास टू रूट थ्री, मतलब हम रूट ट्वेल्व को टू रूट थ्री हम इसको लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे सिक्स प्लस माइनस टू रूट थ्री बाय फोर।
अब देखिए, एक बार तो आपको रूट प्लस में यूज करना है, दूसरी बार आपको रूट माइनस में यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, और जब भी डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, रियल, रियल तो हुए ही होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, रियल रूट होंगे, और दोनों रूट कैसे होंगे, मतलब जो दोनों एक्स की वैल्यू होंगी वो कैसे होंगी, अलग अलग होंगी। तो एक बार आप प्लस यूज़ कर लीजिए, फिर आप माइनस यूज़ कर लीजिए। तो पहले हम यूज़ करते हैं प्लस, ये सारा हम निकाल के आ रहे हैं एक्स, सिक्स प्लस टू रूट थ्री बाय फोर, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा वैल्यू क्या आएगी, सिक्स माइनस टू रूट थ्री बाय फोर। यहाँ से देखिए, टू यहाँ पे भी है, टू यहाँ पे भी है, तो इस पूरे में से हम टू कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा, टू थ्री जै सिक्स, प्लस ये टू बाहर चला गया, रूट थ्री बाय फोर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम टू कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा, थ्री माइनस रूट थ्री बाय फोर, कैंसिल कर देंगे हम, टू टू जा फोर, यहाँ पे भी टू टू जा फोर। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, थ्री प्लस रूट थ्री बाय टू, एक तो ये आ चुकी है, और दूसरी x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है थ्री माइनस रूट थ्री बाय टू। आपको निकालने क्या थी, हमें यहाँ से रूट निकालने थे, हमने रूट निकाल दिए।